हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माधव ड्रेसिज माधव ड्रेसिज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम ये पगड़ी बनाना सीखेंगे और इस पोशाक को बनाना सीखेंगे देखिए फ्रेंड्स बहुत ही प्यारी हर्ट डिज़ाइन में बहुत सुंदर पोशाक है और इस पोशाक को मैंने दो और तीन नंबर गोपाल जी के लिए बनाना सिखाया है बहुत ही सिंपल वे में इस पोशाक को बनाना बताया हुआ है आप वीडियो को पूरा वॉच करिए बीच में स्किप मत करिए फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखिए हमें चोली बनानी होती है तो चोली मैंने पहले से ही बनाकर तैयार कर, कर ली है इस चोली का लिंक की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है आप वहाँ से जाके ये दो और तीन नंबर की चोली बना सकते हैं अब देखिए यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर लिया और इसके बाद हम यहाँ पर चेन देते हैं एक तो हमने ज्वाइन किया था वो वाली और दो इससे एक्स्ट्रा तीन चेन हमने बना ली और इसके बाद यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं इस तरह से अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे यहां पर फिर से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम प्लेस पर फिर नेक्स्ट चेन में दो डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे इसके अंदर भी दो डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हर एक चेन के अंदर हमें दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है लास्ट में इसको हम यहाँ जो हमने शुरू में तीन चेन बनाई थी थर्ड चेन में जाकर इसको स्लिप स्टिच से ऐसे जॉइन करेंगे अब इसमें हमें दूसरा कलर लगाना है तो देखिए यहाँ से दूसरा कलर लगाएंगे इस चोली के लास्ट में हमारे पास ट्वेंटी डबल क्रोशिया थे सबके ऊपर हमने डबल दो दो बार बनाया तो ये हमारे टोटल चालीस डबल क्रोशिया बन गए अब यहाँ पर हम दो चेन ले लेते हैं और दो चेन लेने के बाद नेक्स्ट चेन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए तीन लूप हो जाते हैं इसमें और तीन का एक इसको हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं अब नेक्स्ट चेन के अंदर फिर हाफ डबल क्रोशिया इससे नेक्स्ट चेन के यहां पर देखिए हमने एक शुरू में चेन बनाई दो दूसरा ये बनाया और तीसरा ये वाला अब फोर्थ चेन के अंदर दो बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से अब नेक्स्ट चेन के अंदर एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर इससे नेक्स्ट में एक बार हाफ डबल क्रोशिया इससे नेक्स्ट में एक बार हाफ डबल क्रोशिया अब तीन में एक 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 बार बनाया और फोर्थ चेन के अंदर दो बार हाफ डबल क्रोशिया सेम प्लेस पर इस तरह से देखिए ऐसे करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं राउंड के लास्ट में आने पर देखिए जो जो शुरू में दो चेन बनाई थी सेकंड चेन के अंदर जाकर इसको स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं अब हम यहाँ पर दूसरा कलर ले लेते हैं पीछे इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया था इसको यहाँ से ऐसे निकाल लेते हैं इस लूप में से और ये धागा पीछे की साइड खींच देते हैं अब यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे तीन चेन बनाने के बाद नेक्स्ट चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से फिर नेक्स्ट चेन के अंदर एक बार डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट चेन के अंदर एक बार डबल क्रोशिया अब हमने यहां पर एक दो तीन चार बार एक एक हाफ डब, एक, डबल एक सॉरी डबल क्रोशिया बनाया और पांचवी चेन में दो बार डबल क्रोशिया अब फिर ऐसे ही चार चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया एक दो तीन चार चार चेन में एक एक बार और अब पांचवी चेन में दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अब राउंड को यहाँ पर लास्ट में ऐसे ज्वाइन करेंगे थर्ड चेन के अंदर जाकर स्लिप स्टिच से ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा घेरा इंक्रीज होता जा रहा है अब हम फिर तीन चेन बनाएंगे तीन चेन बनाने के बाद नेक्स्ट चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया अब हमें पांच बार एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और छठी चेन के अंदर हमें दो बार डबल क्रोशिया बनाना है देखिए इस तरह से एक दो तीन चार पांच और सिक्स चेन के अंदर दो बार डबल क्रोशिया ऐसे करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे राउंड के लास्ट में यहाँ थर्ड चेन में जाकर इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से अब हम यहाँ पर दूसरा कलर लगाएंगे येलो कलर ऐसे डाल लेते हैं इसके अंदर और यहाँ पर दो चेन बनाएंगे अब हमें हाफ डबल क्रोशिया की जैसे ये रो बनाई थी ऐसे बनानी है अब नेक्स्ट चेन के अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया अब जैसे हमने यहाँ शुरू में तीन छोड़ के फोर्थ में फिर चार के बाद पाँचवीं में डबल किया था फिर छः के बाद सातवीं में किया था अब सात के बाद आठवीं में इस तरह से इसके बाद हम पिंक कलर लगाएंगे और इस तरह करते हुए हम अपने इस घेरे को इंक्रीज कर लेते हैं तो मैं आपको ये करके आगे बताती हूँ कि कैसे करना है देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने इस राउंड को, इनक्री, इस को इनक्रीज इस घेरे को इंक्रीज किया है आप इसे कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ से डिजाइन स्टार्ट करेंगे तो पहले तीन चेन लेते हैं हमने तीन चेन ली तीन चेन लेने के बाद नेक्स्ट चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया यहाँ पर हमें इस तरह से पांच डबल क्रोशिया बनानी है एक दो तीन चार पांच पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट चेन के अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे ये हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया और इसी के अंदर सेम प्लेस पर एक बार और हाफ डबल क्रोशिया देखिए यहाँ पर ये दो हाफ डबल क्रोशिया बन गए अब हम यहाँ पर तीन चेन लेंगे और तीन चेन लेने के बाद यहाँ पर हम इसमें दो बार ऐसे लूप लेंगे और जो हमने ये दो हाफ डबल क्रोशिया बनाई है इसके बीच में ऐसे क्रोशिया डालेंगे और इस धागे को ऐसे निकाल लेंगे अब यहाँ पर हम दो का एक और दो का एक और दो का एक यानी कि ये ट्रिपल क्रोशिया बन गया अब एक बार और ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं दो बार धागा ले लेते हैं और इसी के अंदर एक बार और ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बना लेते हैं इस तरह से अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार धागा लेंगे और सेम प्लेस पर यहीं पर दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो दो बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इसके अंदर एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे तीन का एक ये इस तरह से हो गया अब हम देखिए धागा लेंगे इसके ऊपर और जो ये दो जिसमें हमने दो डबल क्रोशिया बनाए थे जिस चेन के अंदर इसको यहां से ऐसे लेंगे ये देखिए ये हमारे दो हाफ डबल क्रोशिया हैं। इसके अंदर हमें इस तरह से ऐसे क्रोशिया डालना है और इसके अंदर दो डबल क्रोशिया बनाने हैं एक और एक दो अब हम इधर की साइड टर्न करेंगे ये एक हाफ डबल क्रोशिया के अंदर हमने काम कर लिया और एक हाफ डबल क्रोशिया ये वाला है अब इसके अंदर पहले एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने इधर किया था एक दो डबल क्रोशिया बन गए अब दो ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे दो बार लूप लेंगे और इसी के अंदर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे फिर एक बार और ट्रिपल क्रोशिया दो बार ट्रिपल क्रोशिया बन गया ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अब हम यहां पर तीन चेन लेंगे जैसे हमने शुरू में यहां पर तीन चेन ली थी एक दो तीन और तीन चेन लेने के बाद इसको यहां से ऐसे सीधी साइड कर लेंगे ये देखिए इधर से और यहां से क्रोशिया डालकर इसको यहां पर हम स्लिप स्टिच करेंगे तो देखिए ये हमारा हर्ट की शेप में बन गया जैसे हर्ट होता है और अब हम यहाँ पर दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे तो ये येल्लो कलर इस लूप के अंदर ऐसे डाल लेते हैं और यहां से धागा लेंगे इसके ऊपर और देखिए इसके पीछे जो यहाँ पर डबल ये देखिए चेन है हमने जो यहाँ पर दो हाफ डबल क्रोशिया बनाई थी उससे नेक्स्ट चेन के अंदर क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर फिर से पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने यहां पर बनाए थे इसी तरह पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार पांच पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट चेन के अंदर दो बार हाफ डबल क्रोशिया एक दो अब इन दो हाफ डबल क्रोशिया के अंदर ही हमें काम करना है तो देखिए पहले तीन चेन ले लेते हैं तीन चेन लेने के बाद इस, इसके अंदर दो बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे तो दो बार धागा लेंगे और पहले हम इस वाले हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर काम करेंगे फिर इस वाले के तो यहां पर ऐसे डालते हैं और यहां पर ट्रिपल क्रोशिया बना लेते हैं एक बार और बनाएंगे दो बार ट्रिपल क्रोशिया फिर, फिर दो बार डबल क्रोशिया एक दो फिर एक बार हाफ डबल क्रोशिया तीन का एक अब जो दो ये हाफ डबल क्रोशिया है इसके इस वाले होल में काम करना है तो यहां पर ऐसे क्रोशिया हुक डालेंगे और यहां पर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे अब इधर वाला हाफ डबल क्रोशिया है ये साइड वाला इसके अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो फिर दो ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे दो बार धागा लेंगे और इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया एक बार और बनाएंगे एक दो इसको ऐसे निकाल लेते हैं अब हम यहां पर तीन चेन लेंगे एक दो तीन और इसको सीधी साइड ऐसे ले आएंगे और यहाँ पर लाने के बाद इसके अंदर ऐसे स्लिप को से इसको ज्वाइन करेंगे और अब दूसरे कलर का धागा लगाएंगे इसके अंदर यहां से तो देखिए इस तरह से ये हमारे हर्ट की शेप में यहाँ पर बनते जाएंगे तो इस तरह से ही करते हुए हम इस पूरे राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे मैं इसको करके आगे, आगे आपको बताती हूँ अब हम वर्क के लास्ट में आ गए देखिए यहां पर इस तरह से अब हम यहाँ पर इसके पीछे ये इस पर डबल क्रोशिया बना लेते हैं एक दो तीन चार और पांच डबल क्रोशिया हमारी इधर है तो हम यहीं पर अपना वर्क करेंगे हमारे यहाँ पर एक डबल क्रोशिया कम रह गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम यहां पर इसी के अंदर एक बार ऐसे हाफ डबल क्रोशिया और फिर एक बार और हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं अब तीन चेन लेंगे तीन चेन लेने के बाद दो बार धागा लेंगे और इसके अंदर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे एक दो बार ट्रिपल क्रोशिया और इसके बाद हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो फिर एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर ये जो यहां पर ये चेन है इसके अंदर दो बार डबल क्रोशिया दो बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इधर जो हमारा ये हाफ डबल क्रोशिया इसके ऊपर वर्क करना है तो इसमें हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले और फिर दो बार डबल क्रोशिया इस तरह से और इसके बाद इसकी अंदर हम दो ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे दो बार धागा लेकर एक और फिर ये दो बार अब हम तीन चेन लेंगे और तीन चेन लेने के बाद इसको सीधी साइड ऐसे घुमा लेंगे और यहां पर इसके अंदर सिर्फ स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे और एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे और पीछे वाला ये वाला धागा भी कट करके दोनों धागों की नोट लगाकर पीछे की साइड एडजस्ट कर देते हैं ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा पोशाक बन के तैयार हुई है अब इसको हम सारे जो हर्ट बने हैं दिल के हमारे दिल के आकार के बने हैं इनको सबको ऐसे हाथ से सेट कर देते हैं या फिर हम इनको सुई धागे से स्टिच करते हुए जाएंगे यहाँ से और इसके बाद हम चोली की बॉर्डरिंग कर लेते हैं जो मैंने वीडियो का लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चोली का उसमें मैंने ये बॉर्डरिंग करना भी बताया हुआ है आप इस पर बॉर्डरिंग कर लीजिए तो चलिए इतना काम कर लेते हैं अब हमारी पोशाक बिल्कुल कंप्लीट हो गई है देखिए इसके बीच में मैंने यहाँ हाफ कट पर्ल को पेस्ट कर दिया है हर एक हर के बीच में और अब हम इसकी पगड़ी बना लेते हैं तो पगड़ी बनाने के लिए पहले वूल के अंदर नोट लगाएंगे ये देखिए इस तरह से और अब हम इसके अंदर चेन बनाएंगे हमें इसके अंदर तीस चेन बनानी है तो पहले ट्वेंटी नाइन चेन बना लेते हैं ट्वेंटी नाइन चेन बनाने के बाद तीन चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे अब यहाँ से फोर्थ चेन के चेन के अंदर क्रोशिया हुक डालकर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह पूरी चेन के अंदर बना लेते हैं देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बनाने के बाद अब एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट करेंगे और यहाँ से दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे इधर की साइड से यहाँ से तो ये वाली वूल ले, ले लेते हैं और इसके अंदर नोट लगाकर यहाँ पर हम इसको ज्वाइन करते हैं देखिए शुरू में जो तीन चेन बनाई थी थर्ड चेन में जाकर इसको स्लिप स्टिच इस से ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर फिर तीन चेन लेंगे एक दो तीन तीन चेन लेने के बाद नेक्स्ट चेन के अंदर फिर डबल क्रोशिया इस तरह से धागे को साथ साथ सेट कर लेते हैं हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं तो देखिए इस तरह से कुछ हमारा वर्क होगा इसको बनाकर मैं दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये स्ट्रिप बनकर तैयार हो गई अब हम पगड़ी के ऊपर कलगी बनाते हैं कलगी बनाने के लिए ऐसे मेजिकल रिंग बनाएंगे इसके अंदर क्रोशिया डालकर ऐसे धागे को ऐसे ले लेंगे अब यहां पर तीन चेन और तीन चेन बनाने के बाद इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे दो तीन चार इसके अंदर हम दस डबल क्रोशिया बना लेते हैं अब हम दस डबल क्रोशिया बनाकर मेजी कलरिंग से ये धागा है इसको खींच लेते हैं और यहाँ पर एक चेन बनाकर इस धागे को कट कर देते हैं इस तरह से अब हमें दूसरा कलर लगाना है तो देखिए इसमें नोट लगा लेते हैं और नोट लगाने के बाद जहाँ से हमने धागा कट किया है हमें वहाँ से देखिए ये जो ऊपर वाली चेन है इसके अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे इस तरह से और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे अब इससे नेक्स्ट चेन है देखिए इसके अंदर हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे इस क्रोशिया को ऐसे उल्टा करके और जो नेक्स्ट चेन है इसके अंदर इस तरह से डालेंगे और यहां से इस धागे को ऐसे निकाल लेंगे इस तरह से और यहाँ पर फिर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से अब नेक्स्ट चेन के अंदर जाएंगे देखिए इस तरह से घुमाकर और यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया तो ये हमारी इस तरह से किनारी बनती जाएगी और ये जो ऊपर वाले धागे हैं इनको साथ साथ ले लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा लूज लेते हैं धागा इसके चेन के अंदर डालेंगे इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये इसके ऊपर की नारी बन जाएगी कलगी की तरह से बन जाएगी ये छोटी सी अब हमारी एक चेन हो रही है यहां पर इसके अंदर डालते हैं और इस तरह से निकाल लेते हैं अब लास्ट में यहां पर जो ये डबल क्रोशिया, शुरू में तीन चेन बनाई थी इसके यहां भी अंदर डालकर एक बार इस तरह से इसको ऐसे बुन लेते हैं और यहाँ पर एक चेन बनाकर इस धागे को कट कर देते हैं तो देखिए इस तरह से ये छोटी सी कलगी बन गई अब हम दूसरी कलगी बनाएंगे तो देखिए इसके लिए मैजिकल रिंग बनाएंगे पहले इसके अंदर ऐसे निकाल कर तीन चेन बनाएंगे और तीन चेन बनाने के बाद इसके अंदर हम आठ डबल क्रोशिया बनाएंगे तो एक हमारी तीन की चेन एक हमने डबल क्रोशिया बनाया दो हो गए अब तीन फिर चार फिर पाँच छः सात आठ आठ डबल क्रोशिया बनाने के बाद धागे को यहाँ से खींच देंगे और धागे को खींचने के बाद यहाँ से हम अब दो चेन बनाएंगे दो चेन बनाने के बाद इसी चेन के अंदर यहाँ पर क्रोशिया डालेंगे और ऐसे हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर नेक्स्ट चेन के अंदर भी हाफ डबल क्रोशिया इसके अंदर एक और बनाएंगे एक ही चेन के अंदर दो हाफ डबल क्रोशिया दो शुरू में बन गए दो यहाँ पर इस तरह से हर चेन के अंदर दो दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ तक बना लेते हैं इसको अब यहाँ पर एक चेन बनाकर धागे को कट कर देते हैं और यहाँ से दूसरा कलर ज्वाइन करते हैं इधर की साइड इधर की साइड से यहाँ से बोल लेते हैं इसके अंदर नोट लगाएंगे इस तरह से और शुरू में देखिए यहाँ पर जो चेन है इस चेन के अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे यहाँ पर और इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे इसको इस तरह से अब हम इस पर ऐसे धागा लेंगे और इसके अंदर से यहाँ से इस तरह निकालेंगे इस तरह से एक बार और ये हमने निकाला ये दो बार अब इन सब धागों को एक साथ निकाल देंगे ऐसे और यहाँ पर इसको लॉक कर लेंगे लॉक करने के बाद नेक्स्ट चेन के अंदर डालेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से देखिए इस तरह से अब यहाँ पर लंबा करेंगे धागे को एक बार धागा लेंगे दो बार धागा लेंगे और सबको एक साथ ऐसे निकाल देंगे फिर इनको ऐसे लॉक करेंगे फिर नेक्स्ट चेन के अंदर डालेंगे यहाँ पर स्लिप स्टिच धागे को थोड़ा बड़ा करेंगे और इस तरह से एक बार फिर दो बार फिर सभी धागों को एक साथ निकाल कर नोट लगाएंगे फिर नेक्स्ट चेन के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे और फिर इसी के अंदर इसी तरह से हमें पफ बनाते हुए जाना है और यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं अब हम लास्ट में आ गए तो देखिए यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेते हैं और इस तरह से स्लिप स्टिच बनाकर यहाँ पर एक चेन बनाकर धागे को कट करेंगे और ये दोनों धागे एक ये वाला और इसको पीछे यहाँ पर लाकर दोनों में नोट लगाकर पीछे यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं अब हम इस पगड़ी को सिल लेते हैं देखिए फ्रेंड्स ये हमारी उल्टी साइड है इससे हम ऐसे करेंगे ये ये सीधी साइड है तो इसको यहाँ पर इस तरह से और पहले यहाँ पर हम इसको टक कर लेते हैं सुई से और इसके बाद इन दोनों को ऐसे पीछे मोड़ लेते हैं और मोड़ने के बाद देखिए ये धागा हमारा यहाँ पर है तो हम यहीं से सिलना शुरू कर देते हैं इसको ये सभी धागे अंदर की साइड कर देते हैं इन सबको यहाँ पर अंदर की साइड ऐसे करके तरह से यहां से सिलना शुरू करेंगे जहां से ये देखिए होल नजर आ रहा है इस तरह से आप चाहें तो इसको पहले बीच में से भी सिल सकते हैं पहले यहां से सिलकर फिर उसके बाद यहां से सिल लीजिए तो आप दोनों तरह से कैसे भी कर सकते हैं जैसे आपको सही लगता है इसको यहां से अब हम यहां तक सिलेंगे तो मैं सिल के दिखाती हूं यहां तक सिलने के बाद अब देखिए इसके ऊपर हम यहाँ से पग लगा देंगे ये वाली पग लगानी है हमें तो हम सुई धागे से इसको यहीं से इसके अंदर डाल लेते हैं ऐसे और इसको यहां से सिल लेते हैं अब इधर की तरफ जाते हैं सिलते हुए चाहे तो आप ऐसे भी सिल सकते हैं नीचे की साइड से इस तरह से करते हुए बस आपका धागा नहीं दिखना चाहिए इस हिसाब से आपको सिलना है ये देखिए ये हमारा यहां तक सिल गया अब हम इसके ऊपर दूसरी पग लगाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स ये जो हमने दूसरी बनाई थी सीधी साइड इसकी ये वाली है इसको हम यहां पर ऐसे टक कर देते हैं तो यहाँ से सुई को ऐसे निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इसको यहाँ से सिल देते हैं इस तरह से और फिर इधर की साइड से यहाँ से अब नीचे की साइड सुई ले जाकर इसको यहाँ पर पीछे की तरफ नॉट लगा देते हैं इस तरह से ये हमारी पगड़ी बनकर के तैयार है अब हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं तो देखिए यहाँ से इसके ऊपर हम फेवी ग्लू लगाएंगे और लगाने के बाद इधर से और यहाँ से इसके ऊपर हम ये सिल्वर स्ट्रिप है मेरे पास इसको यहां पर ऐसे पेस्ट कर देते हैं और ये वाली इधर पेस्ट कर देते हैं इस तरह से और एक फोम फ्लावर ले लेते हैं देखिए इस तरह से इस फोम फ्लावर को हम यहाँ पर लगाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितनी प्यारी पगड़ी बनी है और यहाँ पर बीच में एक पर्ल लगा देते हैं इस तरह से देखिए फ्रेंड्स ये हमारी ब्यूटीफुल सी पोशाक और ये इसकी पगड़ी तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना साथ में आइकन भी प्रेस करना नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं एक नए डिजाइन के साथ तब तक के लिए राधे राधे